मुंबई स्थित बंदरगाह से बरामद की गई हेरोइन की खेप के मामले में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने तरन तारण जिले के दो और तस्करों को गिरफ्तार किया। ये आरोपित मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अंतर्राष्ट्रीय तस्कर प्रभाजीत की ओर से बनाए गए गोदाम को मैनेज करते थे। ये दोनों तरन तारण जिले से संबंधित बताए जाते हैं। इसके अलावा DRI की टीम ने तरन तारण से 9 और लोगों को पूछताछ के लिए राउंड अप किया है। मुंबई बंदरगाह से DRI की टीम ने तरन तारण जिले के कस्बा चौहला साहिब के प्रभाजीत सिंह को हेरोइन की 135 किलो खेप के साथ काबू किया था। इसके बाद लगातार बरामदगी होती रही। अब तक बरामद की गई हेरोइन की खेप का कुल वजन 293 किलो निकला है। ये 300 किलो बताई गई थी। अभी पता चला है कि प्रभाजीत ने जनवरी 2020 में 200 किलो के करीब हेरोइन की खेप भी मंगवाई थी। उधर 12 जुलाई तक पुलिस रिमांड में चल रहे प्रभाजीत ने पूछताछ में बताया कि मध्य प्रदेश के शहर शिवपुरी के कोलारस राई रोड स्थित गोदाम बनाया हुआ है। इसमें गोदाम में मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र से जिप्सम की बोरियों के साथ हेरोइन की बोरियां पहुंचाई जानी थी। DRI टीम की तरफ से ये भी पता लगाया जा रहा है कि हेरोइन की खेप देश के किन किन राज्यों में पहुंचाई जानी थी। साथ में पता लगाया जा रहा है कि प्रभजीत का संबंध कहीं पाकिस्तान में बैठे उन लोगों के साथ तो नहीं जो पंजाब में नशा तस्करी गैंगस्टर और खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहे थे। इसके बाद DRI की टीम ने शिवपुरी जिले के कोलारस में स्थित दो गोदामों पर छापा मारा। DRI टीम के द्वारा की गई छापेमारी की कार्रवाई को पूरी तरीके से गुप्त रखा गया है और यहां पर इसके बाद गुप्त तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई और बाद में इसे निकल भी आई। ये ऐसा तो नहीं मामला आया कि यहाँ पे हेरोइन जब्त की गई है, लेकिन दो दिन पहले यहाँ पे DRI द्वारा कार्रवाई की गई थी और कुछ संदिग्ध जगहों को तलाश किया गया था और कुछ पूछताछ की गई थी और एक दो गोडाउन को चेक किया गया था। उसके बाद में अभी जो जानकारी है वो कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन जो पेपर में आया उसमें आया बॉम्बे में कोई हेरोइन जब्त की गई, जिसके लिंक के चक्कर में क्योंकि कौन लोग का किस तरह से जुड़े थे उनमें ये कार्रवाई होना बता रहे हैं। इसका ऑफिशियल पर्सन जो है वो DRI ही बता सकता है और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो बता सकता है।